लोगों को 4-5 महीने से पोषाहार का पैसा नहीं मिला है, इससे हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है लकड़ी के पैसे के लिए। बारिश होता है तो कहाँ से खोज के पकाएंगे हम लोग। समस्या क्यों है आपके सामने? जिला से लेट से आता है पैसा और हम लोग को पैसा जल्दी नहीं मिलता है, इसलिए इस तरह का समस्या है। यह समस्या प्रखंड मुख्यालय में है या तो पूरे जिला में है? आपके जिला में? पूरे जिला में। तो 4 महीना का उधारी है तो हम लोग उधारी सामान ले जाते हैं, सामान तो किसी तरह हम लोग को मिल जाता है और बच्चों को हम लोग पोषाहार देते हैं, लेकिन लकड़ी का बहुत समस्या है। लकड़ी क्या से खरीदेंगे? लकड़ी नहीं रहने से पोषाहार खाना भी कैसे पकेगा, खिचड़ी। इस समस्या को आप अपने कम्युनिटी जो आंगनबाड़ी सेविका है उनके बीच में कभी नहीं उठाए हैं? हम लोग बहुत बार बोल चुके हैं। तो क्या जवाब मिलता है? उधर से ही नहीं आता है तो हम लोग क्या करेंगे, इससे बोलते हैं। महुआ डाड़ प्रखंड के अंतर्गत 124 सेविका हैं जो सभी इस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं एवं बच्चों का पोषा आहार के बिल भाउचर से कटौती करके आंगनबाड़ी सेविकाओं से प्रति महीना 1000 रुपया लिया जाता है। हम लोग को जलावन के लिए हम लोग को गैस मिलना चाहिए, को राशन पानी समय पर मिलना चाहिए और ताकि हम लोग बच्चों को कभी राशन पानी नहीं है ऐसे नहीं बोल सकते हैं और रोज का हम लोग खिचड़ी बना के दे सकते हैं और सेंटर भी अच्छा चलता है, वैसा में रोज बच्चे भी आते हैं और राशन घट जाने से बच्चे नहीं आते हैं, राशन रहता है तो खिचड़ी पकता है तो बच्चे एकदम डेली आते हैं। इस तरह से समेकित बाल विकास योजना के तहत सेविका एवं सहायिका परेशान है। प्रखंड ऑफिसर नरेंद्र शर्मा का फोन नंबर 8986853223 पर बात करके हमारी मदद करें। मैं जस्टिन लकड़ा, जिला लातेहार, इंडिया अनहट के लिए।